नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर अग्रवाल ओपी मार्बल से। आज आपके लिए जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसके ऊपर हम दिखाएंगे साउथ के वाइट कलर के ग्रेनाइट जो आपके घर के फ्लोरिंग के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। और ये ऐसे कलर हैं जो 100% नेचुरल है, इनमें आपके कोई भी प्रोसेस नहीं किया हुआ है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं आएगा, क्रैक कंज्यूमिंग प्राइस आएगा और इसमें कुछ भी मतलब क्रैक कोई प्रोसेस नहीं किया हुआ है। जैसे कि आप मार्बल में देखते होंगे कि कई क्रैक होते हैं जो आफ्टर पॉलिश खुल जाते हैं, वो उसको दिखने लग जाते हैं, वो चीज़ ग्रेनाइट में पॉसिबल नहीं है। ये पॉलिश मटेरियल आता है सारा, अगर इसमें कोई भी क्रैक आएगा तो आपका मेजरमेंट लेस आएगा, वो आपको दिखेगा। इसमें कोई भी बड़ा क्रैक नहीं आएगा जो आपको फिट होने के बाद आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आइए हम आज ऐसे कुछ कलर्स देखते हैं वाइट ग्रेनाइट में जो साउथ में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और स्पेशली हमारे नॉर्थ साइड में जो किशनगढ़ से सबसे ज़्यादा डिमांड के कलर्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ये एक है मदुरई का कलर है, ये ग्रीन में वाइट है। ये जैसे आप देख सकते हैं वाइट एक क्रॉस पैटर्न का आपको इसमें फिगर देखने को मिलेगा। ये ग्रेनाइट में बहुत रेयर देखने को मिलेगा, जो वाइट ग्रेनाइट में आपको बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। ये बुक मैच नहीं आता है, ये पैंडल फिगर चलेगा, उसको आपको बहुत फिगर मिलाने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा सुंदर चलता है, लास्ट तक इसका रिक्शा पैटर्न चेंज चलेगा, इसमें भी कोई प्रोसेस नहीं है, कोई भी इसमें क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल है और 100% लाइनर पॉलिश मटेरियल आएगा। इसकी थिकनेस आपको 18 mm मिलेगी। बरगंडी वाइट ये उड़ीसा का कलर है, जैसे इटालियन में एक सतवारियो पैटर्न आता है उस टाइप का पैटर्न है। ये 20 mm थिकनेस में आएगा और पूरा डायमंड पैटर्न बनता है इसमें। ये बेसिकली आप अपने हॉल के लिए, रूम्स के लिए और उस पर्पस के लिए है ये। अगर आपको इम्पोर्टेड में नहीं जाना है, कुछ नेचुरल ग्रेनाइट में जाना हो वाइट में, तो उसके लिए आपके लिए परफेक्ट है। 100% फ्रेश आता है, कोई इसमें प्रोसेस नहीं किया हुआ है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई फाइबर है। ये मिल्की वाइट ग्रेनाइट है, उड़ीसा का ये कलर है। ये वाइट में सबसे ज़्यादा ग्रीन मार्क ये देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई भी फिगर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप देखेंगे केवल आपके इसमें छोटे छोटे से पर्पल डॉट्स है और ये गैंगस्टर साइज है। ये 4 feet इसकी हाइट है और ये नेचुरल ग्रेनाइट है। ये आपके फ्लोर के लिए, स्पेस के लिए, किचन टॉप के लिए बहुत अच्छा मटेरियल रहेगा। और ये इंडिया में मान लीजिए कि आप इंडिया में इससे ज़्यादा प्लेन आपको नेचुरल ग्रेनाइट में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं करा हुआ, नीचे कोई भी फाइबर नहीं लगी हुई है। अगर कोई क्रैक है तो मेजरमेंट प्राइस है और इसमें भी कोई एब्जॉर्प्शन वाली, सबसे बड़ी बात इसमें कोई एब्जॉर्प्शन वाली दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कोई केमिकल भी गया या कोई आपकी। ये मदुरई का एक कलर है ब्लू वाइट, जो मीडियम रेंज में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है मदुरई का। इसकी रेंज आपको देखिए 140 से 160 रेंज, इसकी थिकनेस रहेगी 18 mm प्लस। और ये आपके फ्लोर के लिए बहुत सुंदर कलर है, प्लेन टाइप का माल है, हल्का सा आपको इसमें मूवमेंट देखने को भी मिलेगा। फ्रेश मटेरियल आता है और जो एब्जॉर्प्शन की उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके बड़े हॉल में लगाना चाहें तो भी सक्सेसफुल है और आप छोटे रूम में लगाना चाहें तो भी चल सकता है, इसमें कोई मूवमेंट वाला माल नहीं है। और इसका स्ट्रेंथ वाइज देखें तो बहुत अच्छा है, अगर कोई दिक्कत नहीं उस मटेरियल में, इसमें ऊपर प्रोसेस नहीं किया हुआ है, कोई भी इसमें चटका या क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। 100% लाइनर पॉलिश मटेरियल मिलेगा हमारे यहाँ से, शॉप मिलेगा। और ये उड़ीसा का कलर है, इसमें वाइट इसका नाम है, 18 mm इसमें मटेरियल आएगा। ये भी फ्लोरिंग के हिसाब से बहुत अच्छा कलर है, इसमें आप मूवमेंट आता है, रैंडम मूवमेंट का माल है, फिगर नहीं मिलेगा इसमें भी। और जिगजैग पैटर्न में इसका मूवमेंट आएगा, इसका मूवमेंट मतलब ये फिगर जो आप देख रहे हैं थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बाकी इसमें वेरिएशन के नाम से इसमें कोई भी चीज़ नहीं आएगी। स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छा मटेरियल है ये भी, 100% ये भी लाइनर पॉलिश मटेरियल आएगा, फ्रेश मटेरियल है, कोई भी प्रोसेस नहीं किया हुआ है। इसको आप स्पेस में भी लगा सकते हैं, इसमें भी मांग कर सकते हैं आपको स्पेस, इसकी वाइटनेस भी फिर आपको वाइट बहुत सुंदर है। इसमें छोटे छोटे डॉट आएंगे और रेंज आप मान के चलो 2 feet से 2 feet। ये उड़ीसा का एक और कलर है कॉलोनियल वाइट। ये वाइट बेस में ग्रीन वेन्स आती है इसमें। ये भी पूरा बुक मैच है, 100% फ्रेश आएगा,
नेचुरल है। इसकी थिकनेस भी 20 mm रहती है। अनप्रोसेस्ड है, मीन इसमें कोई भी फाइबर एंड कोई भी इसमें क्रैक वगैरह नहीं है। ये भी आपके फ्लोर के लिए, रूम के लिए सजेस्टेबल है, इसमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये पूरा इसका पैटर्न लास्ट तक सिमिलर चलता है। सबसे ज़्यादा वाइटनेस वाला माल है मून वाइट का। इसमें छोटे छोटे से पर्ल्स आएंगे पर्पल कलर के, बाकी पूरा प्लेन मटेरियल आएगा। मूवमेंट वाला माल नहीं है, उसको आप फ्लोर पे कहीं भी लगा सकते हैं। इसके आपको 80 mm प्लस मिलेगी। ये सिर्फ आपके लिए वेजिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपने हमारे साइड लगाना है पूरा मटेरियल लाइनर पॉलिश आएगा, कोई भी उसको पैक नहीं रहेगा, कोई भी उसमें प्रोसेस नहीं किया हुआ है। ये एक और सिरकाकुलम का कलर है रिवर वाइट। ये भी ये पैटर्न पूरा आपको मार्बल फील देगा वाइट में। ये भी हल्का सा ग्रीन प्लस ब्राउन टच आएगा इसमें। ये भी फुल फ्रेश मटेरियल आता है, आप फ्लोर के लिए इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सारे रेशे बराबर मिल रहे हैं। वेल ड्रेस माल आता है, ये भी 18 mm प्लस माल आता है, फुल लेंथ का माल है। और इसको भी आप कहीं भी मल्टीपर्पज़ यूज़ ले सकते हैं, स्टेयर्स में, फ्लोर में, रूम्स में। और पूरा लास्ट तक सिमिलर चलता है, इसमें भी कोई क्रैक और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इफेक्ट भी आता है जो लाइट इफेक्ट में शाइन करते हैं। ये सिंगल ऑप्शन आएगा वाइट में जिसके अंदर ग्लिटर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये मूवमेंट वाला माल नहीं है, ये प्लेन माल है। ये आपके फ्लोरिंग के लिए, स्पेस के लिए, किचन टॉप के लिए और बेहतरीन कलर में इसे प्लेट मिलेगी। तो ये मीडियम रेंज में माल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये आपको 100% फ्रेश मटेरियल है, इसमें कोई स्पॉट या कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इसमें कोई बैक आएगा, ना कोई इसमें प्रोसेस करावा है। और इसकी बैक आराम से बैक आता है, इसमें फुल स्ट्रेंथ है, एब्जॉर्प्शन के लिए आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी।